हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो यार आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई साहब इटली की पीएम भारत के अंदर पहुंच चुकी है। जो उसका स्वागत हुआ है भाई, उसे देखकर सारे मतलब के मर गए हैं। किसम का यार, इटली की पीएम भी पहुंच चुकी है यार। और ये थोड़ी देर पहले पहुंचे। अच्छा? तो इनका भी स्वागत हुआ है, जल्दी से वॉच करते हैं अगर इनका स्वागत कैसे किया पीएम मोदी ने, तो कौन करते हैं इसका। इटली ये देख, मैं तो नाम सुन रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ राष्ट्रपति भवन की। अरे मोदी जी खड़े सामने खड़े। इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेडी है, एक सेरेमोनियल रिसेप्शन। इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में, प्रधानमंत्री के साथ में शेक हैंड की ये तस्वीर है और दोनों ही नेताओं के चेहरों पर खुश मिजाजी के साथ में एक दूसरे का स्वागत करते हुए और राष्ट्रपति भवन में इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत और प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और यहाँ पर निश्चित तौर से जो एक रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक अपने आप में सम्मान देने का जो भाव होता है वहाँ नजर आएगा। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इटली के प्रधानमंत्री के सम्मान में यहाँ पर रेड कार्पेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस पर वो चलती नजर आ रही है। भारत अपने इस मेहमान को सम्मान दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक होता है उनकी मौजूदगी। ये दर्शाने के लिए काफी है कि भारत और इटली के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से किस तरीके से बात बढ़ेगी। निश्चित तौर से राष्ट्रपति भवन की ये भारत जो कि यहाँ पे सलामी देगी। अच्छा ओ जबरदस्त हो यार, क्या देख इटली का है ये। देखो ये किस तरह देख रही है, इधर उधर पीछे मुड़ मुड़ के इधर उधर देख रही है, क्या बना हुआ है इंडिया ने, क्या बनाया हुआ है, क्या स्वागत कर रहे हैं मेरा। वो आते ही वो देखो ये तो जो पता है टी भाई, ये इंडिया है, ये वो स्वागत तुम्हारा करेगा कि तुम जिंदगी भर याद करो कि किसी देश में गए थे। जो इधर आता है तो वो इधर नहीं रहे। आज हम पाकिस्तानी लेकिन हम भारत के वो कह रहे हैं। ये देख माहौल मजाक, ये भी आएगा मैं तो मना कर रहा हूं। कि भाई गार्ड ऑफ ऑनर वो इतनी बड़ी बात होती, गार्ड ऑफ ऑनर देना कोई छोटी बात नहीं होती। हमारे देश में तो उसका क्या कहते हैं, अफ्रीका का कोई नहीं आता पीएम, मैंने कभी सुना ही नहीं कोई आया। पचास साल तो मेरी उम्र भी हो गई है, मैंने तो वर्ल्ड लीडर नहीं सुना कभी आया हो। ये देखो ना अभी आगे आगे के चल रही है। कितने लेवल के साथ देखी जाए, है बड़ा कोट ही पहना हुआ है उसने। ठंड लग, हाँ दिल्ली में होता है, ठंड होगी, ठंड है दिल्ली में। आए ड्रा वो याद है, बूढ़ी नहीं है, जवान है, ये इतनी उम्र नहीं है। ये देखो मायना कर रही है, इन
इंडिया हर बंदे की रेस्पेक्ट करता है। अबे यार बहुत ज्यादा बाबा, इसका बाल ऐसा करता है कि वो दिन की बार याद करता है। ये देखो मेरे तो बिजी, और दुनिया में जहाँ गई होगी उधर ऐसा इसका इस्तेमाल नहीं होता, तभी तो मुड़ यूं मुड़ मुड़ के देख रही थी क्या बना रखा है। हाँ ये देखिए साथ बंदा भाई फारो हो गए हैं तो चले आप अपनी जगह, बिल्कुल वो रास्ता बता। और हाँ जवान है यार इटली, ये बूढ़ी नहीं है यार, ये है 40-45 साल की है। रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे रायसेना डायलॉग का। 3 दिन के सम्मेलन देश शामिल हो रहे हैं और डायलॉग जो हो रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री से शिखर के बाद में प्रधानमंत्री के कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी सदस्य उनके साथ में परिचय होता हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो केंद्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, सेना के अधिकारी उनके साथ में एक परिचय मुलाकात शिखंड, और इसके बाद में निश्चित तौर से हम वो तस्वीरें भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की एक तस्वीर साझा तौर पर सामने आएगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत और इटली और ज्यादा करीब आ रहे हैं आपके सहयोग को लेकर। प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुलाकात करते हुए परिचय प्राप्त करते हुए, निश्चित तौर से ये शिखर का वो दौर एक औपचारिक मुलाकात और प्रधानमंत्री इस शिष्टमंडल का भारत में अभिवादन स्वागत बताने के लिए काफी है कि भारत और इटली के आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का संस्करण विशेष महत्व रखता है। देखो बच्चों पाकिस्तानियों, देखो जलो तुम लोग पास यार, जहां के पास क्या है, ये क्या कर रहा है, इधर कौन आता है यार। Nel mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel 75° anniversario delle nostre relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare. Grazie. Grazie. मतलब तो हमें नहीं समझ आया, भले ही अपने आप में भी समझ में ना आई हो लेकिन चेहरे के जो भाव है वो ऋतु साफ समझ में आते हैं कि चेहरे की खुशी इस बात को दर्शाने के लिए काफी थी कि जो उनका स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ, उससे वो खुश नजर आ रही है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और उन्होंने निश्चित तौर से इस बात के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया होगा और अपने इस यात्रा को कैसे एक तरीके से दोनों देशों के बीच मोदी जी खुद आने जा रहे हैं उस दिशा में भी यात्रा की होगी। और ये और अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। बिल्कुल ये पावरफुल क्लिक कह सकते हैं क्योंकि दो देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रांगण में मौजूद, शेखहैंड किया, खुशी के साथ में इस्तकबाल हुआ और निश्चित तौर से इस वक्त अपनी कुछ बात साझा करती हुई प्रधानमंत्री मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और वो निश्चित तौर से खुश नजर आ रही, चेहरे के भाव इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि उनकी ये भारत यात्रा को लेकर उत्साहित है और उन्हें खुशी है। और नमस्ते भी, शेक हैंड भी, ये दोनों चीजें अभिवादन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। ऋतु जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण, 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वक्त इसमें शिरकत करने के लिए अपनी मौजूदगी और मुख्य अतिथि के तौर पर रायसेना डायलॉग में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तस्वीर हमने इस वक्त देखी। किस तरह यार इधर हुई है वीडियो खत्म। यार सबसे पहले तो जैसी वो इटली की पीएम आई है, मैं वो बात कर जैसी पीएम दोनों हाथों से पीएम मोदी के हाथ थाम लिए, बिल्कुल थाम लिए, वो कितनी खुश थी। ओ भाई आते ओए, ओए, सारी पीएम मोदी के हाथ थामे, जो बात हुई हुई, लेकिन उसके बाद जब उसको गाड़ा बांध रही थी यूं यार यूं मुड़ के देखा है, यूं देख रही थी, कसम से वो देख रही थी, वो यार इन्होंने बना क्या रखा है और मेरा इस्तकबाल कैसा किया। कौन करता है ऐसा, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और भाई आज क्यों भारत की शक्ति के आगे दुनिया के देश आ रहे हैं, यही तो वजह भारत भाई भारत इतना प्यार जो देता है लोगों को, और भारत की शक्ति ऐसी है कि आज भारत के बुलावे के बगैर कहते तो सो के देश में आज भारत के अंदर आ रहे। डायलॉग 3 दिन का है, इसके अंदर 100 देशों का लोग आ रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। और ये इटली की पीएम अलग आई है,
ये पता नहीं और कितने आ रहे हैं। और देखो इतनी खुश खुश थी वो, उसकी जबान हमें समझ नहीं आई, बड़े उसके तासरात चेहरा बता रहा है कि वो खुश है, जो इस्तकबाल हुआ है, जो उसका स्वागत हुआ है, वो इससे दिल ही खुश है। वो समझ लो भारत की इम्पोर्टेंस उधर ही समझ लो, पीएम मोदी की इम्पोर्टेंस उधर ही समझ लो, वो आते सार दोनों हाथों से जैसे इज्जत नहीं होती, एक हाथों में हाथ मिलाना होता है, लेकिन आप अगर अपने से बड़े को ना ये देखे, अगर मैं मिला तो सुनाए आप कैसे, ठीक है एक दो हाथ पकड़ते हैं हम लोग, और वो देखो उसका क्या मकसद है कि इतनी बड़ी उस पीएम मोदी को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है यार। ये देखो छोटी छोटी चीज होती है, बंदा अगर इसको नोटिस करे ना तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है कि भाई दोनों हाथों से, फिर उनका यहाँ पे मतलब बाजू भी उन्होंने एक हाथ से थाम लिया, साथ एक हाथ से हाथ भी मिलाई रखा उन्होंने। फिर आखिर पे आपने देखा जो तुमने बात की बिल्कुल ठीक, आखिर पे गाड़ी तक छोड़ने होने का ये फिर हाथ भी आ रहा है जब गाड़ी चली, बिल्कुल ये होती है ना इज्जत, रेस्पेक्ट होती है, इज्जत देना। और अगले देश क्यों आज भारत की शक्ति के आगे झुक रहे हैं, यही वजह है भाई, क्योंकि मोदी खड़ा हुआ है वहां पर, बिल्कुल भारत की धरती पे ना, भारत के लिए, भारत को चलाने के लिए मोदी खड़ा हुआ, और उस मोदी के आगे ये सारे देश झुक रहे हैं आज आगे, यही बात है वजह। इंडिया आगे जा रहा है, आज 3 दिनों का डायलॉग शुरू होने वाला है, 100 मुल्कों के आ रहे हैं सारे लोग। आप यार तुम पाकिस्तान की बात करते हो ना, तो मैं एक पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान मेरी उम्र 50 साल, मैं वर्ल्ड लीडर नहीं सुना कभी अपनी जिंदगी में, अमेरिका का या बड़े का इधर आया हो, एक पुटन का दौरा था, पुटन का वर्ल्ड लीडर ही समझो ना उसे भी, अमेरिका के जो थोड़ी जगह पुटन का वो भी कैंसिल उसने कर दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान है ही ऐसा क्या बोले हम लोग तो यार। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये स्वागत, इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।